हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्रस्ड सीजन 2 के बारे में, जो कि अमेजोन मिनी टीवी की एक और न्यू सीरीज है। और अगर आप लोग क्रस्ड को फॉलो करते आ रहे हो तो आप लोग इसके लिए एक्साइटेड तो होगे, और आपको पता होगा कि इसकी जो कहानी है किस टाइप से रहने वाली है। मतलब आपको जो है 10th क्लास की जो है लव स्टोरी वगैरह देखने के लिए मिलने वाली है। अगर आपको रोमांटिक जोन की जो है लव स्टोरी देखना पसंद है स्कूल टाइम की, तो आप इस वेब सीरीज को चेकआउट कर सकते हो। और क्या इसका सीजन 2 जो है पहले वाले सीजन के जैसा है या नहीं, यही बात करने वाले हैं इस वीडियो में। और क्या चीजें चेंज हुई हैं वो ही बताऊंगा। तो सबसे पहले अगर बात की जाए देखो इसके कास्टों के अंदर, तो इसमें जो कहानी के हिसाब से जो कास्ट चेंज की गई है, तो इसमें हमारा जो मेन कैरेक्टर है आप कह सकते हो रुद्राक्ष जायसवाल, जो कि इसमें संविधान या सैम का जो कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, जिनके इर्द गिर्द ज्यादातर ये कहानी घूमती है, तो इस कहानी में इस बार मतलब इस सीरीज में आपको देखने के लिए नहीं मिलने वाले हैं। और उनको रिप्लेस जो किया है वो एक और कैरेक्टर है समंत नाम का, उसने कैरेक्टर मतलब उसने रिप्लेस किया है। किस तरीके से रिप्लेस किया उसका जो है एक जस्टिफाई आप कह सकते हो कि लॉजिक भी दिया गया है, और वो कहानी के अंदर अच्छा खासा जो है फिट भी होता है। और ये वाली बात बताने का मेरा मेन रीज़न यही था कि क्योंकि मैंने इस कैरेक्टर को मिस किया पूरी परफॉर्मेंस के अंदर, पूरे सीरीज़ के अंदर। अब देखो ये मिनी सीरीज़ है तो आपको पता है कि इसके एपिसोड बहुत जल्दी ख़त्म भी हो जाते हैं, तो कोई इसमें ऐसी दिक्कत तो है ही नहीं। बात करिए इस बार इसकी स्टोरी की, तो इस बार जो स्टोरी है वो देखो सीधी सी बात है लव स्टोरी का राउंड राउंड तो घूमती है, कैरेक्टर के इर्द गिर्द ही घूमती है। लेकिन इस बार जो मेनली फोकस में रखा गया है वो है सेलेस्टा का परफॉर्मेंस। एक सेलेस्टा कॉम्पिटिशन है जिसमें जो ये हमारे LCC जो स्कूल है उसके जो बच्चे होते हैं वो उसमें पार्टिसिपेट लेते हैं ताकि वो उस चीज़ को जीत सके, क्योंकि काफ़ी टाइम से नहीं जीतते आ रहे हैं, तो इसलिए जो है उसमें पार्टिसिपेट लेते हैं। उसकी जो है इस बार जो है प्रैक्टिस वगैरह देखने के लिए मिलती है, और उसी के अराउंड जो है पूरी कहानी देखने के लिए मिलती है। तो कहानी तो देखो मैं ऐसे नहीं कहूंगा कि हाँ जी कुछ ज्यादा यूनिक था। इस टाइप का कॉम्पिटिशन आपने ऑलरेडी बहुत सारी मूवी और वेब सीरीज में देख लिए होंगे, जो भी जो है टीनेज ड्रामा जो होता है, जो स्कूल टाइम वाला ड्रामा होता है, तो उस टाइप का ड्रामा आपने ऑलरेडी पहले भी देख लिया होगा। तो बात करें अभी सीजन 2 के बारे में, क्या ये क्रिस्ड 1 के जितना अच्छा था या नहीं, तो देखो मैं अगर इसकी जो है नॉर्मल ऊपर ऊपर से अगर मैं वन वर्ड में डिफाइन करूँ तो ओके था। मैं ये नहीं कहूँगा ज्यादा बढ़िया था, मैं ये नहीं कहूंगा ज्यादा डाउन था, एवरेज था, पहले वाले जैसे ही था। बात करें सीजन के एंडिंग की, तो देखो जो सीजन 2 है हमारा जो एंड होता है वहां से एक और चांस बन जाता है सीजन 3 के आने की। IMDb पे से जो है 8.4 की रेटिंग मिली हुई है पहले वाले सीजन को, तो आप लोग अंदाजा लगा सकते हो कि ये किस टाइप की सीरीज है। तो एक अच्छा खासा ड्रामा देखने के लिए मिल जाता है, जाके चेकआउट कर लो। और जिन्होंने चेकआउट कर लिया मुझे कमेंट में जरूर बताना आपको कैसी लगी, और क्या आप इसके लिए सीजन 3 के लिए एक्साइटेड हो या नहीं। और सीजन 3 जैसे मैंने आपको बताया 2023 में देखने के लिए मिल जाएगा, लास्ट तक भी देखने के लिए मिल सकता है और मिड समर भी देखने के लिए मिल सकता है। तो आप लोग बताना कि आप लोग इसके लिए एक्साइटेड हो या नहीं। और रिव्यू पसंद आया तो वीडियो पर लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल पे भी क्लिक कर लेना, ताकि बाबू सोना चालू होना गया मैसेज से पहले तुम्हारे भाई की वीडियो का नोटिफिकेशन आ जाए। बाकी करते वीडियो को एंड, आप रखना अपना ख्याल। बाय बाय, टेक केयर।